तो गाइस ये चेक कर लो, ये सारा लाइनअप चेक करो, अब सभी पास लेंगे। बाय तो गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं अपने रघु भैया को। तो गाइज आप सोच रहे हैं इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये देख लो अभी मैं आ गया हूँ देरा वाली साइड। देख लो आज राइड प्लान हुई थी मेरी, तो सीन हो गया मैं घर से निकला हुआ था, मैं निकला 11:30 के बजे के करीब, और क्या हुआ कि मैंने ना अपना गोप्रो ऑन किया हुआ था, मेरे को याद ही नहीं रही कि ये ऑन है कि नहीं है ऑन, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ये ऑन ही नहीं था, पूरी वीडियो शूट ही नहीं हुई आने की, तो मैं अभी तक देरा पहुँच चुका हूँ। और बाइक का थोड़ा सा पेट्रोल रह गया है, तो हम करेंगे अब इसको फ्यूल अप कराएंगे इसका, तो पारस भी है साथ में, तो पारस की बाकी थोड़े फ्रेंड्स भी हैं बाइक वाले, तो उनके साथ चला हूँ मैं राइड पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी चलो इसको पेट्रोल पर आते हैं, इसको खाना खिलाते हैं, इसकी एनर्जी देते हैं, इसको मिलते हैं आपको सीधा गोप्रो पे। अब ऑन करूँगा ढंग से इसको, फिर देखते हैं कैसी बनती है वीडियो गाइज, आज की राइड देखते हैं क्या बनती है क्या नहीं बनती है। तो लेट्स गो गाइज, चलो मिलते हैं, सारी बातें करते हैं। तो गाइज अब आ चुके हम अपने गोप्रो पे, पहले वीडियो बनाई वो बनी नहीं, पूरी कांगड़ा से लेके देरा तक कोई वीडियो नहीं बनी यार, कोई शूट नहीं हुई है। इतने तगड़े तगड़े रिएक्शन आए थे ना लोगों के, लड़कियों के, मुड़ मुड़ के देख रहे थे अपनी बाइक को। तो पहले इसका फ्यूल भराते हैं गाइज, इसको फुल करा देते हैं आज, तो चलो गाइज फुल कराते हैं इसको, बाकी करते हैं बात आपकी बाद में। तो गाइज हम घर पहुँच चुके हैं, यहाँ बाइक लग चुकी है अपनी, तेल तूल भरा के सब कुछ, यहाँ मुस्कान और वो अपना जैकू, और वहाँ पारस निकल ही नहीं रहा यार मेरे को, इसने 12 बजे का टाइम दिया था, आप 12 बजे पहुँच जाना, और अभी टाइम देख लो 12:45, मैंने फ़ोन करके उठाया इसको। तो गाइज मुस्कान आ चुकी है, आने चुकी है, मैं आ चुका हूँ, ये नहीं जा रही है, इसको ना ही लेके जाना है। तो यार मेरा ना कैमरा ऑन नहीं था यार पूरे रास्ते में, इतने इतने रिएक्शन मिले ना, कोई भी नहीं यार, कैमरा ऑन नहीं था मेरा, सीन हो गया यार मेरे साथ, और देखना कैमरा कितना गंदा हुआ बड़ा, दे अपना दुपट्टा दे साफ करूं मैं, मैंने न्यू कपड़े डाले आज, न्यू पेंच कर दो गाइस इसको, और ये बाइक भी कितनी गंदी हो चुकी है यार, आज आते आते इतना धूल मिट्टी पड़ रही थी ना इस पे, ये देखना कितनी बुरी हालत है। तो पारस आता ना, पारस को दिखाता हूँ, फिर करते हम राइड स्टार्ट। पारस आ गया है तो बस यहाँ से हम राइड स्टार्ट करते हैं गाइस, बस गोप्रो में मिलते हैं अब सीधा। तो गाइस यहाँ पे हमारी राइड स्टार्ट होते हुए वो पारस निकल गया है, तो आज हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं, शायद से बॉम्बे पिकनिक स्पॉट जाएं, तो मिलते हैं पारस की गैंग के साथ और चलते हैं, फिर अपने फ्लैशर जगा लेते हैं, बस आज तो आवाज ही आवाज हो जाएगी, आवाज ही आवाज, पता नहीं इसके फ्रेंड्स आए नहीं है अभी तक, इसकी गैंग आई नहीं है अभी तक, कहाँ पे है इसकी गैंग मुझे नहीं पता, इसकी गैंग कहाँ पे है, शायद वो घड़ी है, चलते हैं फिर इसकी गैंग के साथ, कहाँ जाना। तो गाइस यहाँ पे सारे बंदे हो चुके रेडी, ये चेक कर लो, एक पीटी, एक ड्यूक, एक सुपर मीटियोर, और वहाँ पे 2 R15 और एक पल्सर। तो गाइस यहाँ चेक कर लो, तो अब लाइनअप तैयार होने लगा, और ये अपनी GT, इसका नाम मैं आज रख ही दूंगा कुछ ना कुछ, तो देखते हैं गाइस क्या रखते हैं नाम, और यहाँ पे लाइनअप अब मिलते हैं कितना दोस्तों पे, देखते हैं कैसा लाइनअप बनता, चलो गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारी राइड स्टार्ट होती हुई, और पीछे पीछे चले हुए सारे बंदे, तो अब निकलते हैं सीधे सीधे, ये चला अपना सुपर मीटियोर, और आगे बाइक दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ भी ठीक ठाक ही है, अच्छी खासी राइनो के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इस पर, और यहाँ पे पल्सर पुलसर चली हुई है अपनी सारी, ट्राई करता हूँ मैं पीछे रहूँ, बाकी तो देखते हैं कैसी जाती है आज अपना राइड, कैसी जाती है आज अपनी लाइनअप कैसी जाती है, और पहली बार पारस की गैंग के साथ जाके कैसा फील होता है वो भी चेक करते हैं। आवाज 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 आज सिर्फ आवाज 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 सुनाई देगी आपको, मेरे को ना इसकी सुपर मीटियोर की आवाज बहुत सेक्सी लग रही है यार, बहुत आवाज आ रही है इसकी, ये गई ड्यूक 250,
एक तो ये स्पीड ब्रेकर बड़े हुए लगे। ये गई जीटी, पारस की जीटी। ये एक R15 बच गया भाई, एक पल्सर, और यहाँ गई दूसरी R15। ये लाइनअप बनाए थे हम गाइस, देखो। और ये हमारे आगे चला हुआ पूरा लाइनअप, वो देखो यार क्या सही लग रहा है, यार क्या सही लग रहा है, कैसा ही लग रहा है लाइनअप, ये चेक करो यार क्या सही लग रहा है। मजे की बात कर रहा हूँ, मजो गैंग के साथ एक लाइनअप के साथ चलने का मजा आता है ना, वो सोलो चलने का मजा नहीं आता इतना। सोलो आपके इनर के पीस के लिए अच्छा है, इनर के पीस के लिए। वाह, लाइनअप नहीं बना रहे हैं यार, लाइन नहीं बना रहे हैं ये यार, क्या कर रहे हैं यार। मैं तो इनकी लाइन के चक्कर में पीछे पीछे चला हूँ, लाइन बनाएंगे पीछे आया तो नहीं मेरे कुछ यार। मैं आज देख भी लेता हूँ माइक की कोई खराबी तो नहीं आएगी, माइक ठीक से लगा रहे, बाकी तो आवाज़ आनी चाहिए आपको, आवाज़ की तो सारी गेम है। ये चेक करो अपना लाइनअप, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे चलूँगा यार, लाइनअप दिखाते दिखाते। ये R15 देखो यार, मैंने ना आज दिन तक R15 का कोई मॉडल नहीं चलाया, पता एक भी मॉडल नहीं चलाया R15 का मैंने। एक R15 ये V4 जनरेशन है, जो दूसरी चली है वो हमारे साथ V3 है। चले तो है पर इनके साथ मेरे को ऐसे थोड़ा ऐसे लग रहा है, डर सा लग रहा है, लाइनअप बोलते बोलते ये लाइनअप को तोड़ दे रहे हैं। लाइनअप का बन रही है ये तो दौड़ने में लगे हुए हैं मैंने लाइनअप का बन रहा है तो दौड़ने में लगे हुए हैं। आ जाओ चल दौड़ते, भाई साहब सारे दौड़ने लगे यार, मैं धीरे ही चलता हूँ यार, धीरे धीरे ठीक है यार। हम राम राम से चलते हैं, सुपर मीटियोर वाले भैया ये चले हुए, ये चेक करो। अरे रेस लाइनअप कोई नहीं बना रहा है, सारे भागने में चले हुए हैं। यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये अपनी GT, वो 2R15, वहाँ सुपर मीटियोर, और वहाँ चले गए हैं पेट्रोल भराने, तो हमने तो भरा लिया अपना पेट्रोल। तो गाइस ये चेक कर लो, ये सारा लाइनअप यहाँ चेक करो, वो अपनी GT खड़ी है, R15 सारा दिखा दिया आपको मैंने, और ये सारे ही गैंग भाई सब बच गया। तो ये चेक कर लो, तो निकलने लगे हम थोड़ी देर में, देखते हैं शायद से BPS चले हुए, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, पटरी होगी चलते हैं थोड़ी देर में आपको। तो ये रहा पारस, चले गाइज निकलते हैं अब। तो गाइज अब स्टार्ट होती है मेनली राइड हमारी, तो सभी चल रहे हैं लाइनअप पे, तो भैया भेज रहे हैं सबको आगे। मेरे को मीटियोर की आवाज़ अच्छी लग रही है, मेरे को इसकी ना राइनो वाली आवाज़ अच्छी लग रही है। तो ये निकलते हुए हम अब राइड पे बॉम्बे पिकनिक स्पॉट जा रहे हैं PPS, वो सारा लाइनअप दिख रहा है आपको, वो सारा अपना ही आगे तक पूरी गैंग, पारस की गैंग सारी, एक मीटियोर पीछे चला हमारे साथ।
पूरी गैंग चली हुई है, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। इसको तो हम ऐसे खींच सकते हैं, पर धीरे धीरे चलेंगे यार। भैया बोरे धीरे धीरे चलो, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। लाइन अपनी बना रहे हैं ना, ये लाइन बनाए ना पूरी पूरी लाइन, तो मज़ा आए चलने का, पूरी लाइन में मज़ा आ जाएगा चलने का। ये निकले डलियारा कॉलेज, रह गया इस साइड पीछे, और ये हम डलियारा बाजार से निकल रहे हैं। वो हो गया मीटियोर। यार इसकी आवाज़ बड़ी सही लग रही है मेरे को, बहुत सही लग रही है आवाज़ इसकी, सुपर मीटियोर की आवाज़ बहुत सही लग रही है मेरे को। बेसी बेसी साउंड कर रही है ना इसकी आवाज़, और तगड़ी लग रही है। ट्राई करेंगे गाइज, अभी तो इनको ही घिसेंगे हम, जो भी चले हुए हमारे साथ। बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरी इसकी आवाज़ भाई साहब क्या ही सेक्सी लग रही है आवाज़ इसकी, देखना सुनो। हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है इसकी आवाज़ सुन के ना। थोड़ा लाइन अप बनाना सीख जाए ना ये, तो मज़ा आ जाएगा लाइन अप में। बाकी तो राइड खतरनाक ही जा रही है, आपने देख ली है हमारी लाइन अप तो, देख ही लिया आपने कितना सही लाइन अप गया। कोई मतलब कम से कम गिनी तो नहीं मैंने, कम से कम 8-9 बाइकें तो होंगी होंगी अपने साथ, ज़्यादा भी हो सकती हैं। आगे जहाँ रुकेंगे गिन के बताता हूँ आपको कितनी की बाइकें हैं। अच्छा खासा है, मतलब ठीक है। आज पता लग रहा है कि राइड राइड हो रही है आज। लाइनअप भी ठीक ठाक लाइनअप है। वेट कर रहे हैं बंदे, ये अच्छी बात है, बंदे वेट कर रहे हैं अपने फेलो राइडर का ना, बंदे वेट कर रहे हैं कि साथ साथ में चले। एक दूसरे से पास ले रहे हैं, और जो लाइनअप वाले हैं वो तो निकल गए यार आगे सारे, उनको तेज चलने पे बड़ी बारी वो चली हुई है। ये देखो भाई साहब क्या ही साउंड दे रहा है यार, क्या ही साउंड दे रहा है ये, क्या ही साउंड दे रहा है। ठीक, अच्छा देखो सुनो, बस फील करो, फील गाइस, फील करो इस आवाज़ को, फील करो बस। ये आवाज़ फील करने वाली आवाज़ है, ये संतुष्टि, ये संतुष्टि है गाइस। आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बाइक राइड कैसी होती है यार, मेरे को भी और आपको पता चल जाएगा बाइक राइड कैसी होती है आज। एक तो ये बड़े बनाए हुए इन्होंने पूरे के पूरे, ठीक ठाक बनाए हुए इन्होंने। राइडर जो मेन राइडर है ना वो निकल गए हैं। पहली बार बाइक पे मैं डलियारा से आगे, मतलब देरा से आगे जा रहा हूँ। जो गैंग है वो निकल गई यार गाइस, इनको लाइन अप बनाने नहीं, साथ में चलने नहीं आता यार। बाइक का ऐसा सीन है ना, राइडर 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 पर, वो देखो ये छपरी राइडर, वो लाइन अप अपना, ये देखो ये लाइन अप अपना पारस भाई जी। चले धीरे धीरे सारे, हम तो अपनी स्पीड मेंटेन करके चले हुए हैं, बाकी इनका देखते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको चुल मचेगी आगे निकलने की। ओ टच हो गई गाड़ी, बेरिंग टच हो गई गाइस, बेरिंग टच हुई, तो मैं लीन नहीं कराता हूँ इसको ज़्यादा, मेरे को पता ना बेरिंग टच होगी इसकी। ओहो जीती जी, जी।
इसकी फेयरिंग टच होने से डर रहा हूँ यार अब गाइस मैं। अब मेरे को इस पे ना वो टेपिंग करानी पड़ेगी, नाम की टेपिंग, और साइड में भी टेपिंग करानी पड़ेगी नीचे नीचे, ताकि फेयरिंग खराब ना हो। टेप खराब हो सकती है, फेयरिंग खराब ना हो। तो हम यहाँ पहुँचते हुए डीजे के पास, ये जो पीछे होटल था जहाँ से बस निकल रही थी ना, वहाँ पे डीजे होटल का नाम है, रेस्टोरेंट पूरा सब कुछ है इधर। उनके राइनो टच होने की वो आ जा रही है यार, इतना वो नीचे जा रहे हैं ना लीन करने पे। वो देखो ए ए ओ ये करो, ये हुआ गाइस, ये मैंने अभी बोला ही बस, और वो हुआ टच, हमारी फेयरिंग टच हो रही है, उनका एग्जॉस्ट टच हो रहा है। मित्रां दा ढाबा 7-star होटल। अपनी मुंडी थोड़ी ऐसी रहती है गाइस, आज आपको दिखा ही रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम है मैं ऐसे किसी गैंग के साथ, मतलब रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं। ट्रिप भी मतलब एक रख लो छोटी सी ट्रिप, कितनी है मेरे को पता नहीं है, कितने किलोमीटर्स की है मैं बताऊँगा आपको, मैप पे देख के आपको बताऊँगा कितने किलोमीटर्स की ट्रिप है ये। रख लो मतलब 50-60 किलोमीटर से तो ऊपर ही है ट्रिप। और ये देखो सारी आ गई गैंग, आ गई सारी ये भागने वाली गैंग, और हमें धीरे चलने वाले, तो हम तो अपनी स्पीड बढ़ा के चलेंगे। वो देखो ऐसे पूरी लाइन में चले ना तो मज़ा आएगा, पर बंदे ना भगाने के चक्कर में ना बड़ा भारी वो लॉस कर देते हैं यार। वो देखो हम तो अपनी GT ऐसे ही लेके जाएंगे। आज संडे राइड कितने बजे स्टार्ट हुई है? 1:30 बजे अपनी संडे राइड स्टार्ट हुई है, 1:30 पे अपनी संडे राइड स्टार्ट हुई है गाइस, तो चेक कर सकते हो आप, राइड भी थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई है। ठीक है थोड़ा थोड़ा लाइन में चल रहे हैं, पर इनका पता नहीं कब माथा घूम जाए वो नहीं पता। साथ साथ में चले, पीछे ये चले पारस भैया जी, और ये पल्सर वाले भैया जी। ओ भाई साहब धीरे धीरे, आराम से, कोई जल्दी नहीं, सारे अपने बंदे हैं, किसी से पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देख करो यार, वो चेक करो यार, ये जो मज़ा है ना लाइनअप का, ये मेरे को मतलब अच्छी खासी किक मिल रही है इससे। चेक करो अब सभी पास लेंगे, मैं खुद ही नहीं ले रहा यार गाइस पास इनसे। बस वाला खुद ही लाम दे जा रहा है इनको। ठीक ठाक अच्छी खासी लाइनअप है। ये गलत चीज़ है मोड़ पे पास नहीं लेना गाइस, कभी भी मोड़ पे पास नहीं लेना, और बस से तो जरूरी नहीं लेना। कोई कुछ पता नहीं होता आगे कब कौन सी बाइक गाड़ी कुछ भी आ सकता है, बंदा चल के आ सकता है, जानवर आ सकता है, तो सेफ्टी ले के चलो अपनी साथ में, अपनी नहीं तो अपने पीछे घर वालों की सोच लो। अभी मैं बोल ही रहा था और मैंने खुद पास ले लिया, पर रोड था भाई गाइस, रास्ता था, यहाँ पे नहीं था। ये तो मोए मोए हो गया मेरे साथ, मोए मोए। जो पल्सर वाले हैं ना वो ठीक ठाक चले हुए हैं, मतलब रेस लगाने के मूड में है ये सारे ना। ओ भाई साहब क्या लाइनअप है यार। ऐसे ना एक साथ सारे मोड़ काट रहे हैं ना तो मज़ा आ रहा है यार, एक साथ सारे मोड़ काट रहे हैं। ये चेक करो बाइकें, देखो यार कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गाइस, 11 बाइकें। अभी शायद आगे कोई नहीं गई है बाइक, वो सुपर मीटियोर वाले भैया आगे लीड कर रहे हैं और हम सबसे लास्ट में लीड कर रहे हैं।
ना ज़्यादा आगे जाएंगे, किसी से ना पास लेंगे, कहीं ज़रूरत हो तब ले लेंगे गाइस। ऐसे धीरे धीरे चलते, देख लो, देखो देखो कैसे चले पल्सर वाले। बस रेस लगाने की इनको वो चाहिए, रेस लगाने का चाहिए। और अपन तो धीरे धीरे चले हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, अपना मज़ा किरकिरा नहीं करेंगे हम। चलाएंगे जहाँ ज़रूरत होगी तेज़ चलाने की, वहाँ चलाएंगे तेज, ऐसी बात नहीं है। बस राइड का मज़ा लो, राइड का मज़ा। ये कहीं हाईवे पे चले होते ना इस लाइनअप के साथ तो इतना मज़ा नहीं आता, वो सीधी सीधी लगनी थी, सीधी सीधी चली हुई है। पर मोड़ों पे और इन रोडों पे तो मज़ा आ जाता है। सांप बनने फिरे हुए हम, सांप, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। ठीक है गाइस, ठीक है,